इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अरब दुनिया के साथ तल्लकदारी जो है वो अब डिटोरिएट होती चली जा रही है मुसलसल। यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ा जारी करना बंद कर दिए और जो मौजूद हैं उनको भी निकाल रहे हैं। कतर की भी यही सूरत हाल है। अरब दुनिया ने भी OIC में कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लगता है कि कश्मीर इसमें जो इनकी तल्लकदारी बिगड़ रही है, इसमें एक मेजर फैक्टर है। आप कैसे देखते हैं? थैंक यू जनाब ताहिर साहब। डेफिनेटली इसमें मेजर फैक्टर तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ जी, कश्मीर के हवाले से ही। और जिस तरीके से जो अरब कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना, फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ऑल दो के बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से थोड़ा सा माइल्ड करने की जो है वो कोशिश की। हुआ ये था कि जो 5 अगस्त 2019 को जो शुरू हुआ ये सिलसिला कश्मीर के हवाले से, जो रियासत जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज करके उसे इंडिया ने जो है वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान रवायती अतबार पे हमेशा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जाहिर है कि पाकिस्तान के पास उस वक्त दो रास्ते रह गए थे। एक तो था अपना रिएक्शन और दूसरा ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देना, चूँकि वाकया बहुत बड़ा था। जहाँ तक पाकिस्तान का अपना इंटरनल रिएक्शन की बात है, तो उससे मराद जो नेशनल सिक्योरिटी और जो दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो रिएक्शन हो सकता था, तो उस पर उस वक्त ये क्लियर किस्म की फाइंडिंग सामने आई के जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा हुआ कि हुक्मरान तबका, जो रूलिंग एलीट है, ख्वाह उसमें गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने ओपनली तस्लीम किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने पॉलिसी को इतना सख्त तरीके से चलाया है कि ऐसा ना हो कि ये हमें बैकफायर करे। तो फिर इसको उन्होंने वहीं पे छोड़ के, बल्कि वहाँ पे जो छोटे मोटे मिलिटेंट आर पार जो है छोटी मोटी हरकतें करते थे, उनको भी एक ज़बरदस्त किस्म के डायरेक्टिव्स दे के कि आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि उस पर ज़बरदस्त किस्म का उन पर गम और गुस्से का इजहार करके और ये धमकी दे के कि अगर आपने कुछ किया तो इंडिया हम पे हमला कर सकता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, आप यूं समझ लें कि अपना वायद एक पॉइंट ऑफ होप जो है वो समझ के, तो ये सऊदी अरब और कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इन मुल्कों से राबता किया, जिन्होंने ज़ाहिर है उनको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि ये इस तरह का एजेंडा जो है, आपको पता है उस वक्त के हालात जो ऐसे हो गए थे, वेरी टेंस और वेरी अनईजी किस्म की रिलेशनशिप बन गई थी, स्पेसिफिकली जो सऊदी जो है किंग थे जो वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, तो उस पे दिस वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट, चूँकि वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि जी इस तरह का कभी भी कोई ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तो फौरन OIC का इजलास बुलाना है और OIC के थ्रू फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है, और उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ाहिर है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। लेकिन हुआ उसकी वजह से बिल्कुल उसके बरक्स, जिसके नतीजे में आपने देखा कि मायूसी जो है वो उनके चेहरे पे सामने नज़र आ रही थी, जिसके नतीजे में उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी अरब कंट्री के हवाले से इस तरह ओपनली
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी कि जी जो उन्होंने जिस तरह का गम और गुस्से का इजहार किया या दूसरे अल्फाज में मजम्मत नहीं की, लेकिन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो इन हालात में आप यूं देख लें कि फिर ताल्लुकात की कोई बात बाकी रह नहीं जाती, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता जो कुछ हुआ, चूँकि उनको एहसास हुआ कि वो बहुत हद तक जो है डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ पे, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इसको माइल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अरब कंट्रीज चूँकि अपना माइंड जो है वो बना चुके थे, और जाहिर है कि ये कोई उन्होंने ऑल ऑफ सडन रिएक्ट नहीं किया, बल्कि ये हिंदुस्तान की गुज़श्ता 3-4 सालों से जो खामोश डिप्लोमेसी है वेस्ट एशिया में, गल्फ के अंदर और इन अरबिक कंट्रीज़ के अंदर जो एक कंसिस्टेंट किस्म की डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट है, उसका नतीजा था कि उन्होंने उनको कश्मीर इशू पे कम्प्लीटली जो है वो अपना स्टैंड चेंज करने पे तैयार कर लिया। और ये इस बात का एजाज था कि इंडिया और अरब कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर जो है वो खुल गया है, और दूसरे अल्फाज में एक ज़माने में वही ताल्लुकात जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के और अरब कंट्रीज़ के थे वो इंडिया की तरफ झुक गए सामने तौर पे, चूँकि उन्होंने एक तो उनको रिफ्यूज़ किया उनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का हिस्सा बनने का, और दूसरा उन्होंने अपनी मुख्तलिफ दौरे और इस तरह के डेलीगेशन के एक्सचेंज और डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के ज़रिए ये साबित किया कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हुई है और कश्मीर इशू समेत कोई और मसला या मुल्क जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो ये आप देखें कि एक बहुत बड़ा टर्न था जिस जो पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त करना और उसको हज़म करना, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जाहिर है कि उनको एहसास हो गया कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि देखें जो रियलिटी चेंज हुई उसको पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो गुज़श्ता 60 साल से एक ही किस्म की पॉलिसी पे जो इंतहाई फरसुदा आउट ऑफ डेट और ज़माने के तकाजों के साथ बल्कि मुतसादम है, हमांगी नहीं बल्कि मुतसादम है, उसके साथ वो स्टक हुए हुए हैं। और वो पॉलिसी ये है कि जी चूँकि हम मुसलमान मुल्क हैं, तो मुसलमान मुल्क हैं तो बाकी बात क्या रह जाती है, यानी हम जिस मुल्क में भी चाहें उनको जाके ये कह दें कि जी हम मसाब और हम मुस्लिम बरादर हैं, तो लोग बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं उनको एक तरफ फेंक के तो हमें गले लगाएंगे। ये वाहिद एसेट उन्होंने बना दिया, यानी मुसलमान होने को उन्होंने बतौर एसेट एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज का एसेट बना के पेश करना शुरू किया है। अब आप देखें इस दौरान जो पानी गुजर चुका था दरिया से वो उन्होंने देखा नहीं कि इस दौरान इंडिया जो है वो बहुत सारे बैरियर तोड़ के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के हवाले से तो वो अरब दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक तरह की पाइपलाइन बन गया था। अब उसमें अरबों ने ये देखना था कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो वो इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी हैं, उन्होंने इतने मुसलमानों का कौन सा अचार डालना है, अपने कौन से मुसलमान कौन थे, तो उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो ये भी हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लस ये है कि इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है ज़्यादा स्किल्ड किस्म की जो है। दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो का दी एंड, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने पाकिस्तानी मीडिया में देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानी लोग सऊदी अरेबिया को कोस रहे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अरब देशों को कोस रहे हैं, क्योंकि इनसे भारत की करीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से पाकिस्तानी लोग इन्हें कोस रहे हैं। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल में ट्रेंड करता है बायकॉट यूएई, बायकॉट सऊदी अरेबिया। पाकिस्तानी अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने पर तुले हैं, तो इससे अच्छी बात इंडियंस के लिए क्या हो सकती है। आपको पता होगा पाकिस्तान टर्की के काफ़ी करीब है और टर्की और सऊदी अरेबिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक इस्लामी ग्रुप खड़ा करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा, जिसमें टर्की मलेशिया भी थे, और उसके बाद से सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, या मतलब जो भी कह लें, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कड़े एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं, यूएई ने भी कड़े एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानियों को कोई भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तानी वर्कर्स लौटाए जा रहे हैं। तो इमरान खान बेहतरीन गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, इनकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि जो लेबर फोर्स पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया में काम करती है उससे पाकिस्तान को बहुत पैसा मिलता है, पाकिस्तानियों की रोजी रोटी चलती है, पाकिस्तान को बहुत सारी भीख देता है और तेल भी फ्री में देता है सऊदी अरेबिया।
तो वो अब देख सकते हैं आप उसका क्या होने वाला है आने वाले समय में। इसकी वजह केवल इमरान खान और ये मुस्लिम उम्मा और ये मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के चक्कर में अपने ही देश की ज़बरदस्त तरीके से बैंड बजाने में तुला है, और ये बैंड बज चुकी है। सऊदी अरेबिया अब फाइनली पाकिस्तान को बिल्कुल सीधा रास्ता निकाल दिया है बाहर कि भाई आप मुसलमान बनकर ये मत सोचें कि हम आपको हमेशा भीख देते रहेंगे। सऊदी अरेबिया ने अब पाकिस्तान से बोल दिया है कि जाओ टर्की से भीख मांगो, मलेशिया से भीख मांगो, ईरान से भीख मांगो और अपने बाप चाइना से भीख मांगो, लेकिन हमारा कर्जा जो है वो पुराना वापस करो। और पाकिस्तान ने ये कर्जा वापस भी करना शुरू कर दिया, इसके लिए उन्होंने चाइना से अच्छी खासी भीख मांगी है जिसे चाइना ने अच्छे खासे ब्याज पर भीख दे भी दी है। और पाकिस्तान ये भीख अपनी पुरानी भीख का लोन चुकाने के लिए यूज़ करेगा। तो दोस्तों उसी बात पर ताहिर गोरा और हामिद बसानी साहब ने ज़बरदस्त डिस्कशन किया है, और इसमें इन्होंने कश्मीर एंगल भी जोड़ दिया है, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया और अरब देश हैं, उनकी दोस्ती आप जानते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है, कितना बड़ा व्यापार हो चुका है। तो अगर कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान कुछ आड़ी तिरछी हरकत करता है तो उस पर डेफिनेटली भारत के कहने पर ये अरब देश कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और वो एक्शन लिया जा रहा है। अगर कश्मीर के नाम पर ये प्रोटेस्ट करते हैं और कश्मीर के नाम पर यहाँ पर कुछ फसाद या फैलाना चाहते हैं तो उस पर पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानियों को सीधा बाहर कर दिया जाएगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब और यूएई में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इंडियंस लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे सऊदी अरेबिया में, सेंटीमेंट हर्ट कर रहे थे हिंदुओं के, उन्हें सीधा वहाँ से निकाल कर इंडिया भेज दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था कि सऊदी अरेबिया के लोग भी आरएसएस में शामिल हो गए हैं। हालाँकि आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पर करते हैं वीडियो को ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।